हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त एमएम आलम कंपटीशन कम्युनिटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सीजीपीएससी के जो मेंस में आए हुए ऐसे हैं उस पर हम लोग यहां पे कोशिश कर रहे हैं कुछ अप्रोच देखने की, कुछ मैटर, कुछ कंटेंट और क्या स्ट्रक्चर होगा उसका, इन सब चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम लोग जो मेंस का जो तीसरा टॉपिक है वो पारदर्शिता के संदर्भ में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बनाम मतपत्र। आज इस टॉपिक पे हम कोशिश करेंगे कि कुछ बेहतर कर चलें। अभी तक जो दो वीडियो का जो एक्सपीरियंस रहा है ठीक ही रहा है, बहुत बेहतर नहीं कह सकते लेकिन बहुत बुरा भी नहीं कह सकते। मेरा पूरा फोकस उस अप्रोच पर था जहाँ पे आमतौर पे जो स्टूडेंट्स हैं गलतियाँ करते हैं। मैं आपको बार बार कहा हूँ इस चीज़ को कि एक्चुअल में ये जो ऐसे है आपकी पर्सनालिटी को चेक करने का बहुत बढ़िया माध्यम है। क्यों? इसलिए क्योंकि पूरा टाइम रहता है और दो चार, दो खंडों से चार आपको ऐसे लिखने होते हैं। उसमें आपको अपने आपको एक तरीके से अभिव्यक्त करना होता है, स्वतंत्र विचारों को अभिव्यक्त करना होता है, लेकिन एक सीमा होती है। वो सीमा होती है आपके अप्रोच की, मतलब वो अप्रोच जो होना चाहिए आपका सिविल सर्वेंट का होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखकर ऐसे के टॉपिक को बहुत अच्छे से समझिए, टू द पॉइंट रहिए, क्योंकि आप फैल सकते हैं थोड़ा ऐसे में। इस तरीके की गुंजाइश होती है कि आप थोड़ा सा अपना विस्तार कर सकते हैं उसमें, लेकिन उसका कोई फ़ायदा होगा नहीं एक्चुअल में। इसलिए नहीं होगा क्योंकि फिर आपका टाइम मैनेजमेंट हो सकता है ख़राब हो जाए और आपको बराबर बराबर पूरा ध्यान देना पड़ेगा चारों ऐसे पे। तो इसलिए जो है अब मेरी बात अगर आप समझ पा रहे हो तो इस बात को ज़रूर समझिए कि अनावश्यक प्रयास करने से बचें, प्रयास वही करें जो आपकी क्रिएटिविटी को दिखाए, है ना। और कोशिश ये मत कीजिए कि बहुत नई नई चीज़ें और बहुत ज़्यादा जानकारी इस तरीके की, तो ये चीज़ें जो होती है आपके पर्सनालिटी का एक तरीके का नेगेटिव पार्ट भी आ जाता है उसमें, कि आप जो है अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं। और प्रूव करने की कोशिश वो करता है जो कमज़ोर होता है। तो मेरे कहने का सीधा जो मतलब है वो यही है कि ऐसे के माध्यम से आप अपने नॉलेज नहीं बल्कि नॉलेज से ज़्यादा आप अपनी पर्सनालिटी वहाँ पर दिखाने जा रहे हैं। इसलिए मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि अगर मान लीजिए क्या है कि आपसे कोई ये पूछता है कि आपने खाना खाया कि नहीं खाया, और आपने जवाब देना शुरू किया, वो जवाब कुछ इस तरीके से था कि मैं पालक का साग नहीं खाता हूँ, मैं आलू और गोभी की सब्ज़ी ऐसे नहीं खाता हूँ, उसमें मटर होता है तभी खाता हूँ, चावल तो मैं दिन में खा लेता हूँ लेकिन रात में नहीं खाता हूँ, थोड़ा सा डाइटिंग भी करना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा मोटा होता जा रहा हूँ, ये सब बाकी बातें, ये बताइए मेरे प्रश्न का उत्तर हुआ ये? नहीं हुआ मेरे समझ से। आपको हाँ या ना में ही सिर्फ उत्तर देना था, है ना। वो आपसे ये नहीं जानना चाह रहा है कि आपके पसंद क्या है, नापसंद क्या है, आप क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते हैं, कब खाते हैं, सो के खाते हैं, बैठ के खाते हैं, खड़े होकर खाते हैं, दौड़ के खाते हैं, इन सब चीज़ों से उनको कोई मतलब नहीं है। उन्होंने सिर्फ इतना पूछा है आपसे कि आप खाना खाए कि नहीं खाए। आपका उत्तर सिर्फ होना चाहिए हाँ या ना में, यही टू द पॉइंट है। आप उनकी जगह पे खुद को रख करके देखिए। आपने किसी से सवाल पूछा, आपने जो सवाल पूछा है उसका जवाब ना मिलके और दाएं बाएं 50 तरह की बातें होने लगी, तो आप खुद ही क्या करेंगे, उस चीज़ को अच्छा नहीं मानेंगे, अच्छा नहीं समझेंगे। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि टू द पॉइंट रहिए, अप्रोच के साथ चलिए, ज़रूरी कंटेंट दीजिए, ज़रूरी जो डेटा है, जो रिलेवेंट एग्जाम्पल्स हैं वो सारी चीज़ें दीजिए। बहुत ज़्यादा डेटा भी नहीं देना, बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल भी नहीं देना है। अच्छे विचारों के साथ आप अपनी चीज़ों को वहाँ पे प्रस्तुत कीजिए, और सरलता, मतलब सरल भाषा में, बहुत ज़्यादा एकदम क्लिष्ट करने की कोशिश मत कीजिए। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और करके देखते हैं कि कैसे एक बेहतर आंसर लिखा जा सकता है, कैसे एक बेहतर ऐसे लिखा जा सकता है। इस ऐसे में आप देखिए ज़रा, पारदर्शिता के संदर्भ में ये बात और है कि हमारे यहाँ सांसद विधायक जो हैं गोपनीयता की शपथ लेते हैं, और हम लोकतंत्र की बात करते हैं और लोकतंत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है पारदर्शिता। तो मुझे उम्मीद है कि आगे चल के आप इस तरीके की बातें उठाएंगे एक प्रबुद्ध नागरिक बन करके, एक जिम्मेदार नागरिक बन करके, तो शायद ये गोपनीयता की शपथ, बड़ी अजीब सी बात है ना, हम आज़ाद हुए हमारा 70-75 साल हो गए, है ना, हम 22वीं सदी में आ चल रहे हैं
और अभी भी अंग्रेज़ों के ज़माने का जो कानून जो उस समय के उद्देश्य को पूरा करता था, जैसे गोपनीयता कानून शायद 1923 का है ना, वो अभी तक चला आ रहा है। अगर बहुत सारे ऐसे कानून जो हैं वो अभी तक चले आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये पूरी तरीके से सही नहीं है, या किसी भी तरीके से सही नहीं है, इसको बदला जाना चाहिए, है ना। खैर, चला आ रहा है, चला आ रहा है। दुनिया में बहुत सारे देश हैं जो आधुनिक समय में हैं, विकसित देश हैं, लोकतांत्रिक हैं, लेकिन अभी भी क्या है, रिपब्लिक नहीं है। रिपब्लिक नहीं है, इसका मतलब ये है कि अंग्रेज़ों की जो महारानी या महाराजा जो होते हैं, वहाँ के हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। बड़े बड़े देश, जैसे आप इसी को देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया को देख लीजिए, न्यूजीलैंड को देख लीजिए, विकसित देश हैं, कनाडा है और इंग्लैंड तो है ही, खैर है ना। शायद कनाडा ने अपना ये चीज़ बदल लिया है, खैर देख लीजिएगा आप, है ना, एक मोटी मोटी बात हो रही है। तो दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कि आज के समय में बड़ी ऑड सी लगती हैं, लेकिन चल रही हैं, मतलब चल रही हैं, है ना। वही चीज़ अपने देश में भी देखने को मिलता है कि अंग्रेज़ों के ज़माने का कानून, गोपनीयता कानून चल रहा है, हम गोपनीयता की शपथ लेते हैं, जबकि लोकतंत्र, सबसे बड़े लोकतंत्र का हम दावा करते हैं, है ना। चलिए खैर, चलते हैं। तो बात इम्पोर्टेंट है यहाँ पे क्या, कि जब भी पारदर्शिता ही बात होती है, तो पारदर्शिता पारदर्शिता की जब भी बात करते हैं, तो ये क्या होता है, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, किसका, लोकतंत्र का। लोकतंत्र के लिए पारदर्शिता बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। आप जैसे मान लीजिए क्या है कि अगर गोपनीयता के आड़ में ही आप रहेंगे, पब्लिक जो है, क्योंकि पब्लिक है ये तो सब जानती है, आप जानते ही अच्छे से, तो इसका मतलब ये है कि आप गोपनीयता के आड़ में अंदर अंदर कुछ कर रहे हैं, भले आप अच्छा कर रहे हों, लेकिन ना जो मन में एक शक आता है ना, शक और शुबहा, वो क्या करता है कि बहुत सारी तरह तरह की समस्याओं को, तरह तरह की परेशानियों को जन्म देता है, जो कहीं से भी लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र की मजबूती के लिए, लोकतंत्र के विकास के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आप अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जनता के बीच में विश्वसनीयता नहीं आ पा रही है, लोग समझ रहे हैं कि अंदर अंदर आप कुछ गलत कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि सरकार और जनता में क्या है, गैप पैदा हो रहा है, सरकार और जनता में एक गैप पैदा हो रहा है, और ये गैप जो है किसी के लिए अच्छा नहीं है, ना सरकार के लिए अच्छा है, ना जनता के लिए अच्छा है, ओवरऑल देश के लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए क्या है कि पारदर्शिता जैसी चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक क्यों बना है, इसलिए बना है क्योंकि आपने देखा होगा कि ईवीएम पे बहुत ज़्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं, ईवीएम पे बहुत ज़्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं, यहाँ तक कि जो आपका इलेक्शन कमीशन है, चुनाव आयोग है, वो तक सफाई दे रहा है और बढ़ चढ़ करके दावे कर रहा है, चैलेंज कर रहा है, जबकि उसको ये काम नहीं करना चाहिए था। ये काम इसलिए नहीं करना चाहिए था क्योंकि अगर ईवीएम का इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है, या किस तरीके से इलेक्शन होगा, ये सारी जो चीज़ें हैं वो पार्लियामेंट तय करती है। इलेक्शन कमीशन का सिर्फ काम है कि जो कानून बन रहे हैं, जो नियम बन रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है वो जो इलेक्शन है उसको कंडक्ट करवाए। मेरे कहने का सिर्फ मतलब इतना है कि इलेक्शन कमीशन को इस विवाद में नहीं कूदना चाहिए, क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन भी क्या है, एक तरीके से आरोप प्रत्यारोप के दायरे में आ चुका है, जो कि हमारे लोकतांत्रिक संस्था पे एक तरीके का क्या है, एक शक और शुबा है, और अल्टीमेटली या अंतिम रूप से हम कह सकते हैं कि हमारे लोकतांत्रिक प्रणाली और लोकतंत्र पे क्या है, एक प्रकार का प्रश्न चिन्ह है। तो इस तरीके की चीज़ों से, इस तरीके की प्रवृत्तियों से बचना चाहिए मेरे समझ से, है ना। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं क्या, पारदर्शिता। पारदर्शिता जो है लोकतंत्र के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, लोकतंत्र की मजबूती के लिए और लोकतंत्र के उत्तरोत्तर विकास के लिए, बने रहने के लिए। और ये पारदर्शिता क्यों ज़रूरी है भाई, इसलिए है क्योंकि पारदर्शिता जो है लोकतंत्र में विश्वसनीयता को बढ़ाती है, विश्वसनीयता को बढ़ाती है, ठीक है। तो विश्वसनीयता को बढ़ाती है पारदर्शिता। इसी संदर्भ में ही क्या किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्यों, क्योंकि जो पहले बैलेट पेपर का जब इस्तेमाल होता था, तो बैलेट पेपर का जो इस्तेमाल होता था उसमें आप शायद, आपके आपको अगर नहीं भी पता हो तो आप अपने मम्मी पापा से पूछिएगा कि उस समय जो है, जब बैलेट पेपर से क्या होता था, इलेक्शन हुआ करता था, तो बूथ कैप्चरिंग बहुत ज़्यादा होती थी, फॉल्स वोटिंग बहुत ज़्यादा होती थी। और इसी में ही क्या हुआ, इसी में ये हुआ कि जब ये देखा गया कि बूथ कैप्चरिंग हो सकती है, फॉल्स वोटिंग हो सकती है,
इस तरीके से इलेक्शन जीता जा सकता है। तो जो राजनीति में जो नेतागण थे उन्होंने क्या किया, बाहुबलियों को क्या है एक तरीके से एंट्री दे दी, किसमें, इलेक्शन में। अब बाहुबली जो है अब वो इलेक्शन की प्रक्रिया में शामिल हो गए और वो बूथ कैप्चरिंग, फॉल्स वोटिंग, ये सारी चीज़ करने लगे और ऐसे ऐसे लोगों को वो जिताने लगे जो कहीं से भी इस लायक नहीं थे कि वो उस पद को आसीन पद पे आसीन हो सके हो। धीरे धीरे जो है हुआ ये कि ये बाहुबली जो पहले दूसरे को बनाते थे उन्होंने समझा कि जब मैं दूसरे को बना सकता हूँ तो मैं खुद क्यों नहीं बन सकता हूँ। तो यही बाहुबली धीरे धीरे उम्मीदवार बनने लगे और जीतने भी लगे। एक समय में तो ये भी कहा जा रहा था खास करके यूपी और बिहार में कि अगर आप बाहुबली नहीं हैं तो आप इलेक्शन नहीं जीत सकते। मतलब एक तरीके से कहा जाए कि लोकतंत्र पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है ना। इसकी वजह से क्या हो रहा है, जब आम जनमानस में यही बातें अगर हो रही हैं, कॉमन तरीके से समाज में यही बात कही जा रही है, इसका मतलब यह है कि पूरी तरीके से लोकतंत्र पर से एक प्रकार का विश्वास जो है उठ गया है, समझिए। और मुझे लगता है कि इस विश्वसनीयता के संकट में, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी कह सकते हैं आप इसको इंग्लिश में, इसके अगर संकट का दौर अगर चल रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये लोकतंत्र जो है वो उस पर एक प्रकार से समझ लीजिए कि खतरा है। खतरा ज़्यादा सटीक वर्ड होगा, लोकतंत्र पे एक प्रकार का खतरा दिखाई पड़ रहा है। इसलिए क्या है कि जब ये बात हुई कि भाई बैलेट पेपर से ये सारी प्रॉब्लम आ रही है और इसकी वजह से क्या हो रहा है, लोकतंत्र पर एक विश्वसनीयता का संकट आ गया है, तो सभी दलों का, ऐसा नहीं है आज कांग्रेस बीजेपी हम भले कर लें, लेकिन वास्तविकता ये थी कि उस समय जो है सभी दलों ने मिल करके आम सहमति से क्या है ईवीएम के इस्तेमाल की बात की थी। ईवीएम के इस्तेमाल की बात की और इसी संदर्भ में जो पहला, जिसको कह सकते हैं कि पहले बार जो ईवीएम का इस्तेमाल की बात किया जाए, तो 1982 में केरला के 50 मतदान केंद्रों पर, हाँ केरल के 50 मतदान केंद्रों पर क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से वोटिंग कराई गई। लेकिन 1983 में आकर इसको क्या किया गया, इसको अभी बंद कर दिया गया। क्यों? क्योंकि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, जैसा कि मैंने शुरू में ही आपसे कहा कि ईवीएम से होगा, इलेक्शन की बैलेट पेपर से होगा या किस तरीके से होगा, वो सारी चीज़ें जो है पार्लियामेंट तय करती है। इलेक्शन वो कमीशन जो है वो सिर्फ क्या करता है, वो इलेक्शन कंडक्ट कराता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब ईवीएम का इस्तेमाल किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि आपने ईवीएम का इस्तेमाल शुरू कर दिया है लेकिन ईवीएम को आपने अभी तक वैधता प्रदान नहीं की, यानी लेजिटिमेसी जिसको कहते हैं ना, वैधता प्रदान नहीं की है। इसका मतलब ये हुआ कि 1983 से ईवीएम का प्रयोग जो है वो बंद कर दिया गया। फिर क्या हुआ भाई, फिर ये हुआ कि 1988 में, 1988 में पार्लियामेंट ने क्या किया, जो आपका जनप्रतिनिधित्व कानून है, जनप्रतिनिधित्व मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, अधिनियम कह सकते हैं उसको, अधिनियम जो 1951 का है, इसमें 61A ये सब क्लास जोड़ा गया और ईवीएम के प्रयोग को क्या किया गया, वैधता प्रदान की गई, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। फिर आप देखेंगे क्या कि 1990 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने क्या किया, उसने कई सारी पार्टियां थीं, कई सारी पार्टियों से कुछ प्रतिनिधियों को चुना और उनको मिला करके क्या बनाया, एक चुनाव सुधार समिति। चुनाव सुधार समिति बनाई, ठीक है, इलेक्टोरल रिफॉर्म कमेटी, है ना, 1990 में। फिर उसके बाद इन्होंने अपना काम किया, कुछ रिकमेंडेशंस दिए वहाँ पे। फिर ये हुआ कि 1992 में सरकार ने क्या किया, एक अधिसूचना जारी किया और जो निर्वाचक कानून था उसमें कुछ परिवर्तन किया। इसी तरीके से थोड़ा सा और अगर हम आगे चल के देखें तो 1998 से विधानसभा और लोकसभा सभी जितने भी इलेक्शन थे वो सारे इलेक्शन जो है ईवीएम के माध्यम से कराए जाने लगे। और 2004 की बात करें हम तो पूरे देश में सभी मतदान केंद्रों पर पहली बार एक साथ जो क्या हुआ था, ईवीएम का इस्तेमाल हुआ था। ये आपकी कहानी है,
मुझे लगा कि बताना चाहिए, इसलिए बताने की ज़रूरत पड़ी है क्योंकि एक हमने क्या किया, पारदर्शिता के संदर्भ में ईवीएम की एक विकास प्रक्रिया को देखा है जिसमें क्या है कि सभी दलों का साथ भी मिल रहा है ना, सभी लोगों का साथ मिल रहा है, फिर अचानक जो है आप देखते ये हैं कि 2014 के बाद से क्या हुआ कि इस पे जो है प्रश्न चिन्ह लगना शुरू हो गया, क्योंकि आप ये देखेंगे ईवीएम को जो लाया गया है वो सबसे ज़्यादा जो लाया गया है इसलिए लाया गया है क्योंकि इसमें क्या होता है कि बड़ी पारदर्शिता होती है, पारदर्शिता होने के साथ साथ क्या होता है इसमें बूथ कैप्चरिंग और इसके अलावा जो बैलेट पेपर में जो समस्या आती थी कि एक साथ जो है दो उम्मीदवारों पर ठप्पा लग गया तो आपका वोट ही निरस्त हो गया है ना, इस तरीके की जो चीज़ें थी उसके लिए क्या किया गया, ईवीएम मशीन को लाया गया, और ईवीएम मशीन को लाया गया तो इसका मतलब ये है कि यहाँ तक आपने क्या देखा, सभी दलों के बराबर वहाँ सहमति दिख रही है, कहीं कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कहीं कोई शिकायत नहीं है। अचानक जो है 2014 के बाद क्या हुआ कि इस तरीके की शिकायतें जो हैं उठनी शुरू हो गई। ठीक है, तो पहले इसमें कोशिश हम ये करते हैं कि समझते हैं इसको कि आखिर ट्रांसपेरेंसी कैसे साबित होती है इसकी, है ना, ट्रांसपेरेंसी कैसे साबित होती है इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि ईवीएम मशीन काम कैसे करती है ना। तो ईवीएम मशीन काम कैसे करती है भाई, इसमें देखिए एक होता है क्या, कंट्रोल यूनिट होता है ना, अभी इसके अंदर भी जाएंगे हम, कंट्रोल यूनिट होता है और दूसरा जो होता है वो बैलेट यूनिट होता है। ठीक है, और ये दोनों जो हैं एक वायर से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ठीक है ना, कंट्रोल यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो कंट्रोल जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है ना, चुनाव अधिकारी जो इलेक्शन कराता है वहाँ पे बूथ पे, है ना, तो उसके पास क्या होता है एक बटन होता है, एक बटन मान लेते हैं की बोल लेते हैं, है ना, और एक जो बैलेट यूनिट होता है जहाँ पे आप वोट डालते हैं, जाके अपनी पसंद का जो उम्मीदवार होता है उसके लिए की प्रेस करते हैं, तो वो आपका हो गया। ठीक है, होता ये है कि जब आप जाते हैं वोट डालने के लिए तो पहले जो है कंट्रोल यूनिट से जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है वो क्या करता है, यहाँ से बटन प्रेस करता है, तभी जो है आप जब यहाँ का बटन जो है प्रेस करेंगे तो आपका वोट पड़ेगा। ठीक है, और आपने जब क्या किया, अपना वोट दे दिया है, अपना वोट कास्ट कर दिया है, उसके बाद क्या होगा, ये अपने आप लॉक हो जाएगा, फिर उसके बाद कोई दूसरा चाहे जितना दबा ले दूसरी बार कोई वोट नहीं डाल सकता, तब तक नहीं डालेगा जब तक क्या है यहाँ से प्रिसाइडिंग ऑफिसर एक बटन जो है ये ना दबा दे, ये जब बटन दबा के अलाउ करेगा तब यहाँ पे क्या होगा, दूसरा जो है वोट पड़ेगा, दूसरा व्यक्ति वोट डालेगा, फिर दूसरा व्यक्ति जब वोट डाल लेगा तो फिर ये अपने आप क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, है ना। और तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है उसमें ये है कि अगर हम कंट्रोल यूनिट की बात कर रहे हैं तो कंट्रोल यूनिट में जो चिप डाली जाती है ना, जो माइक्रोचिप होता है ना, माइक्रोचिप जो होता है ना, उसमें जो प्रोग्राम होता है उस प्रोग्राम में कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, मतलब फुल प्रूफ होता है वो। ठीक है, और ना ही कोई दूसरा माइक्रोचिप इंसर्ट किया जा सकता है ना, मतलब क्या है, काफ़ी ये फुल प्रूफ लग रहा है एकदम पूरी तरीके से, है ना। और ना ही यहाँ पे जो आपका बैलेट यूनिट है, बैलेट यूनिट का जो आप जो बटन है यहाँ का, इसमें भी कोई फेरबदल आप नहीं कर सकते हैं। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे क्या है कि ऐसा कोई भी हैकिंग ट्रैक जो टैम्परिंग वगैरह जो है छेड़छाड़ जैसी चीज़ वो आप नहीं कर सकते हैं। और भी चीज़ें इसमें समझने की कोशिश करते हैं ताकि आपको ये समझ में आए कि जितनी भी बातें चल रही हैं एक्चुअल में क्या है, वो ऐसे ही आरोप प्रत्यारोप चल रहा है ना, लेकिन वास्तव में क्या है कि ये फुल प्रूफ है। कैसे है, यहाँ तक आपको जो बात अगर समझ में आ गई है थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। जो आपका ईवीएम मशीन है, ईवीएम मशीन इसको आप ना तो इंटरनेट से और ना ही किसी अदर नेटवर्क से, ठीक है, ना ही किसी अदर नेटवर्क से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इंटरनेट और कोई दूसरा नेटवर्क जो है इससे इसका कनेक्शन नहीं हो सकता है। बिल्कुल क्या है, इस तरीके से क्या हुआ, हैकिंग फ्री भी हो गया, आप इसको हैक ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, और देखिए
जैसे आप लोग आजकल स्मार्ट टीवी वगैरह, मोबाइल, कंप्यूटर, बहुत सारी चीज़ें आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें आप देखते होंगे कि उसमें देखा जाता है कि ये कनेक्शन जो है कौन कौन सा सपोर्ट करता है, उसमें पोर्ट कौन कौन सा है, जैसे HDMI पोर्ट है कि नहीं है, USB पोर्ट है कि नहीं, बहुत सारे ऐसे पोर्ट होते हैं, और इसके अलावा वाईफाई उसके कनेक्शन है कि नहीं है, ब्लूटूथ जो है कनेक्टिविटी है कि नहीं है, ये सारी चीज़ आप जानते हैं अच्छे से, है ना। आज आप क्या है, अपने सारे सिस्टम में इस तरीके की चीज़ों को ढूंढते हैं, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि मेरी तरह आप भी यही सोचते हैं कि इस तरीके का कोई भी कनेक्टिविटी जो है आपकी EVM मशीन में ना हो। और ये बिल्कुल सही बात है कि जो आपका EVM यूज़ होता है उसमें किसी भी प्रकार की इस तरीके की कनेक्टिविटी नहीं होती है, ना ही आप कोई वाईफाई वहाँ कनेक्शन हो सकता है, और ना ही ब्लूटूथ से कनेक्शन हो सकता है, और ना ही कोई ऐसा पोर्ट होता है उसमें जिससे क्या है दूसरे किसी हार्डवेयर को आप उसमें कनेक्ट कर सकें, ठीक है ना। इस तरीके से भी क्या हुआ, वो फुल प्रूफ हो गया ना, है ना। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं क्या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे, जहाँ पे बनता है ना, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की अगर हम बात करें, तो यहाँ भी क्या है ना, जो बहुत कड़ाई से प्रोटोकॉल का क्या होता है, पालन होता है, यहाँ भी बहुत कड़ाई से प्रोटोकॉल का पालन होता है, ठीक है ना। ये जो बन रहा है, मान लीजिए क्या है कि 2016 में बना है कोई EVM मशीन, है ना, अब वो कब इस्तेमाल होगा, कहाँ इस्तेमाल होगा, इसकी जानकारी जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में किसी को होती नहीं है, ठीक है ना। और तीसरी बात ये है कि वो जो एक जैसे आपका जो बनेगा, तो जो EVM मशीन बनेगी, तो यहाँ पे क्या होगा, सबका एक क्रम बना होता है ना भाई। मान लीजिए क्या है कि आप ऐसा कोई आलोचना या कोई इस तरीके के इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि फलाने व्यक्ति के या फलाने पार्टी के लिए क्या है कि इस तरीके का उसको हैक किया गया है या टेम्परिंग की गई है ना, इस तरीके। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को इस बात की जानकारी नहीं होती है कि वो कहाँ और कब इस्तेमाल होगा, साथ ही साथ कौन सा उम्मीदवार होगा, किस पार्टी से होगा और कौन से क्रम पे होगा, ये सब कोई भी जानकारी जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को नहीं होती है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ भी इस तरीके से क्या है, एक तरीके से फुल प्रूफ ही है ना। इसके अलावा और भी चीज़ें आप देख सकते हैं, जैसे अब आप ये कह सकते हैं कि जो आपका इलेक्शन कमीशन है वो समय समय पर क्या करता है, तकनीकी विशेषज्ञ जो होते हैं, टेक्निकली जो स्पेशलिस्ट होते हैं, तकनीकी विशेषज्ञ समिति या कमिटी, है ना, समिति जो है समय समय बनाती रहती है और इनसे सलाह मशवरा जो है वो करता रहता है, ठीक है ना। और भी चीज़ें आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए क्या है कि उसमें जो है एक सीरियल नंबर रहता है ना, किसमें, आपका EVM में सीरियल नंबर होता है। तो सीरियल नंबर होता है, आप जो है अगर मान लीजिए क्या है कि इस सीरियल नंबर को, अगर इस कोई सीरियल नंबर है, मान लीजिए 1, 2, 3 है ना, इस सीरियल नंबर का जो EVM है वो कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है, इसको भी आप क्या कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि आप कहाँ ले जा रहे हैं, कैसे ले जा रहे हैं, इलीगल तरीके से आप क्या है मूव तो नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर से आप क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि इस तरीके से भी फुल प्रूफ है एकदम पूरी तरीके से, है ना। और जो चिप जो इस्तेमाल होता है, जो माइक्रोचिप इस्तेमाल होता है, और उसमें जो भी आपका प्रोग्राम होता है, माइक्रोचिप में जो भी प्रोग्राम होता है, वो एक बार यूज़ होने के बाद ना वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक। इसका मतलब ये है कि आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। और इसके अलावा जैसे मान लीजिए आपका जो EVM है, एक समय इस्तेमाल के बाद उसको नष्ट करना है, या आपका माइक्रोचिप है ना, इसको नष्ट करना है, तो ये ऐसा नहीं है कि जब मन आया जैसे आया उस तरीके से आपने नष्ट किया, नहीं नष्ट किया, बचा के रख लिया, ये सब चीज़ नहीं रहता वहाँ पे, बल्कि क्या है, ये रहता है कि जो स्टेट का जो आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होता है, स्टेट का जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, या उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव है ना, मान लीजिए कोई रिप्रेजेंटेटिव उसका है, उसके सामने क्या होगा, इसको नष्ट किया जाएगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है। इसका मतलब ये है कि अभी तक जो हमने देखा है, यही चीज़ समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो चुनाव प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने में इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रही है, कर सकती है, और भी बेहतर कर सकती है। नए मॉडल के जो आजकल EVM वगैरह आ रहे हैं उसमें कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी दे दी जा रही है ना, तो अब उससे क्या हो रहा है कि आप और ज़्यादा पारदर्शिता सुनिश्चित कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ गई है ना। और भी चीज़ देखते हैं तो
जैसे मान लीजिए क्या है कि लगातार इस तरीके का जो एक बात हो रही है, जो ईवीएम पे एक प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है, इसी को ध्यान में रखते हुए क्या है कि जो एक वी वी पैट ये मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका फुल फॉर्म क्या है? वोटर्स वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल। ठीक है, ये होता क्या है भाई, एक तरीके से जो आपने वोट कास्ट किया है ना, जो आपने वोट डाला है ईवीएम मशीन पे, उसका एक तरीके से क्या है, प्रिंट आउट है। मतलब ये है कि कुछ सेकंड के लिए ये रहता है और आप उसको देख सकते हैं कि हाँ मैंने अगर इसको डाला है तो वही वाली पर्ची जो है वहाँ दिखाई पड़ रही है। और फिर मुझे लगता है शायद 7 सेकंड या 10 सेकंड चेक कर लीजिए एक बार, उसके बाद वो डिसअपियर हो जाती है और जो वो जो रिकॉर्ड होता है वो चली जाती है। वहाँ पे एक बॉक्स होता है, उसमें उसका पूरा जो है क्या है, रिकॉर्ड चला जाता है। बाद में जब कई कभी ऐसा होता है कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की काउंटिंग जो हुई है और जो वीवीपैट, मतलब कहीं से कोई अगर शक सुबह आ जाता है तो वीवीपैट का फिर क्या किया जाता है, वहाँ से वो सारे रिकॉर्ड निकाले जाते हैं कि कितने वोट किसको किसको पड़े हैं, वो सारी चीज़ें उससे मैच कराया जाता है। मैच कराने के बाद अगर वो मैच हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे क्या है, फेयर इलेक्शन हुआ है, है ना। और अगर मान लीजिए मैच नहीं होता है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ उसको रद्द करके इलेक्शन कमीशन फिर से री इलेक्शन की घोषणा कर सकता है वहाँ पे, है ना। तो ये क्या है, वीवीपैट। और वीवीपैट जो है ना, मेरे समझ से पारदर्शिता को और ज़्यादा क्या है, एक तरीके से मजबूती प्रदान करता है। और देख लीजिएगा इसको, शायद वीवीपैट जो है वो 2013 ही है शायद, 2011 है, नागालैंड से क्या किया गया था, इसको वीवीपैट की शुरुआत की गई थी, है ना। देख लीजिएगा, प्री वगैरह में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए सब जानकारी थोड़ी होनी चाहिए। और इसको देख लीजिएगा, 2013 है कि 2011 है, थोड़ा सा गूगल चाचा को परेशान कीजिएगा, है ना, गूगल चाचा से पूछ लीजिएगा कि भाई 2013 है कि 2011 है ना। अब इतना तो करना ही चाहिए आप लोगों को, है ना, इतनी मेहनत तो करनी ही चाहिए मेरे समझ से। सब कुछ आपको रेडीमेड चाहिएगा तो फिर इसके बाद ये है कि आपको दिक्कत बढ़ सकती है ना, सेल्फ डिपेंड होइए। चलिए, यहाँ तक जो बात हम लोगों ने देखी है उसमें यही समझ में आया है कि जो ईवीएम पे जो इस तरीके की बहस की जा रही है वो क्या है, कहीं से भी उचित नहीं है। इतना फुल प्रूफ बनाया गया है और टेक्नोलॉजी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, इसको और ज़्यादा बेहतर बनाया जा सकता है, ज़्यादा पारदर्शी बनाया जा सकता है। और इस तरीके से क्या है, लोकतंत्र में एक विश्वसनीयता जैसी चीज़ जो है वो क्या है, उसको मजबूती से लाया जा सकता है, उसको मजबूती से बनाया जा सकता है और उसको उसका उत्तरोत्तर विकास किया जा सकता है, है ना। तो इसका मतलब ये है कि पारदर्शिता के संदर्भ में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है उसने क्या किया है, बखूबी अपनी भूमिका निभाई है। अब जो विरोधी लोग कह रहे हैं, उन विरोधियों की बात को भी सुनना, क्योंकि असहमति को सम्मान मिलना ये लोकतंत्र की खास एक पहचान है और एक खास विशेषता है। तो अगर कुछ लोग असहमत हैं और लगातार इस तरीके के एलिगेशंस आ रहे हैं ईवीएम पे और सरकार पे, इलेक्शन कमीशन पे, इसका मतलब ये है कि ये कहीं ना कहीं विश्वसनीयता के संकट को बढ़ा रहा है। आपने देखा होगा क्या, इलेक्शन कमीशन ने खुला ओपन चैलेंज भी किया था, इस बात का चैलेंज किया था कि आए कोई हैक करके दिखाया इस तरीके की। साथ में उन्होंने कंडीशन अप्लाई वाली चीज़ भी कर दी थी कि आप उस ईवीएम को खोल नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इतना फुल प्रूफ है तो डर किस बात का, है ना। ओपन चैलेंज को ओपन चैलेंज ही रहने देना चाहिए था। और दूसरी बात ये है कि जो विरोधी लोग हैं वो एक बहुत जेन्यून जो है, बहुत मजबूत जो तर्क देते हैं वो ये देते हैं कि जितने भी दुनिया के विकसित देश हैं जिन्होंने पहले जो है ईवीएम को शुरुआत किया अपने यहाँ, लेकिन बाद में फिर से वो वापस बैलेट पेपर पे आ गए, है ना। तो बैलेट पेपर पे आ गए तो इसके पीछे रीज़न क्या है, बहुत कम ही देश ऐसे हैं जो क्या है ईवीएम से इलेक्शन करा रहे हैं। और अमेरिका, अमेरिका जैसे देश है, अमेरिका में तो खैर ये कहा जा सकता है चूँकि फेडरल सिस्टम है वहाँ पे, तो वहाँ पे कुछ राज्यों में जो है वो क्या है ईवीएम का इस्तेमाल हो रहा है, कुछ में नहीं हो रहा है। सभी राज्यों के अपना अपना क्या है वहाँ पे इच्छा है, है ना, क्योंकि फेडरल सिस्टम है वहाँ पे। और इसके अलावा कई सारे ऐसे मुल्क हैं, देश हैं जहाँ पे क्या है कि जो जैसे जर्मनी को देखिए, उसने ईवीएम को पूरा इस्तेमाल किया, उसके बाद फिर क्या किया, उसने वापस जो है बैलेट पेपर पे ही अपनी शुरुआत फिर से कर दी है, बैलेट पेपर से ही इलेक्शन होता है। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं, ज़्यादातर कंट्रीज़ में क्या है बैलेट पेपर से ही इलेक्शन हो रहा है। तो क्यों वो लोग जो इतने टेक्नोलॉजी में आगे होते हुए भी क्यों वो वापस बैलेट पेपर में लौट गए, तो ये सवाल मेरे समझ से भले ही सही ना हो, या कहा जा सके कि कहा जा सकता है कि इस तरह के सवाल जो है ईवीएम पे नहीं उठाए जाने चाहिए, अगर ये बात कह रहे हैं आप,
तो ये बात भी सही है कि अगर सवाल उठ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वो क्या है, लोकतंत्र में विश्वसनीयता के संकट को बढ़ा रहा है। तो सरकार की जिम्मेदारी होती है, इलेक्शन कमीशन की भी जिम्मेदारी होती है। वो खैर इलेक्शन कमीशन तो बहुत अपने जो सीमा है उसे भी आगे बढ़ के अपनी कोशिशें कर चुका है, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि भाई हाँ ये जो है फुल प्रूफ है, और फुल प्रूफ है इसका मतलब ये है कि इसका जो है जनता के सामने प्रदर्शन भी करना चाहिए कि किस तरीके से फुल प्रूफ है, और जनता को अवेयर करना चाहिए। जब जनता इस बात को समझ लेगी तो वो फिर जो राजनीतिक दल हैं उनकी हिम्मत ही नहीं हो सकती कि फिर ज़बरदस्ती जो है इस तरीके की मांग उठाएँ और इस तरीके की आलोचना करें, ये सब चीज़ें है ना। लेकिन मैं यही कहूँगा कि विश्वसनीयता के संकट जैसी चीज़ जो है फिर से ना आए, और इलेक्शन कमीशन को और सरकार को इस तरीके से अपना जो है काम करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों के बीच में विश्वास पैदा हो, है ना। और ईवीएम जो है क्या कर रहा है, ईवीएम जो है अच्छा काम कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसमें एक विश्वास भी हो ताकि लोकतंत्र पे विश्वास हो सके, और इस विश्वास के माहौल में जनता और सरकार के बीच में क्या हो, एक बेहतर संबंध हो, सहयोग हो, विरोध ना हो। क्योंकि जब भी क्या है सरकार का विरोध ज़्यादा होता है तो उसका जो है अंतिम रूप से जो सज़ा होती है उसको देश को ही भुगतना पड़ता है, जनता को ही भुगतना पड़ता है। तो ऐसा कोई सिचुएशन ना आए, विश्वास जो है वो बढ़े। इसलिए क्या है कि ईवीएम के मामले में जितने भी जो एलिगेशंस हैं, जो भी आरोप हैं, उसको सरकार जो है क्या करे, एड्रेस करे, जनता को उसके बारे में समझाए। और मान लीजिए क्या है कि तब भी अगर विश्वास नहीं आ रहा है तो जैसे बाकी देशों में वापस बैलेट पेपर पे आ गए हैं, उसी तरीके से हम भी वापस आ सकते हैं, है ना। और मुझे लगता है कि ये तात्कालिक उपाय ही होगा। जब लोग इस बात को अच्छे समझ लेंगे कि नहीं ईवीएम ही ज़्यादा बेहतर था, तो फिर से ईवीएम को लाया जा सकता है ना। लेकिन इन सभी चीज़ों में, सारे डिस्कशन में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो यही है कि एक सरकार और जनता के बीच में एक बेहतर विश्वास का माहौल हो। इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप में क्या होता है, कहीं ना कहीं वो विश्वास जो है वो धराशायी होता रहता है, और लोकतंत्र को क्या एक तरीके से खतरा पहुंचता है, इससे खतरनाक होता है लोकतंत्र के लिए, देश के लिए, जनता के लिए। इसलिए क्या है कि इस मामले में सरकार को थोड़ा सा आगे बढ़ करके बेहतर तरीके से इस तरीके काम करना चाहिए, और विश्वास के जो संकट है, अविश्वसनीयता का जो संकट है उसको दूर करना चाहिए। दूर करके फिर क्या करना चाहिए कि लोकतंत्र को और भी ज़्यादा क्या किया जा सके, विकास किया जा सके, बढ़ाया जा सके, उसको बेहतर बनाया जा सके, इसकी कोशिश करते रहने चाहिए। तो पूरा जो बात हम लोगों ने की है इस ऐसे पे, वो यही बात की है कि कैसे पारदर्शिता के संदर्भ में ईवीएम जो है बेहतर है, और इससे भी बढ़ करके हमने क्या किया, एक अप्रोच देखा उसमें। वो अप्रोच ये था कि विश्वास अपने लोकतांत्रिक संस्थाओं में, सरकार में, सभी में क्या है, जनता का विश्वास बने रहे। अगर कहीं से भी ऐसा लगता है कि सही होने के बावजूद जो है विश्वास नहीं बन पा रहा है, तो उस समय के लिए कुछ ना कुछ इस तरीके के चेंज करना चाहिए जिससे क्या है जनता का विश्वास हो कि हमारी बातें सुनी जा रही हैं, और लोकतंत्र में उनका जब विश्वास रहेगा तो इसका मतलब यह है कि सहयोग का माहौल रहेगा। सहयोग का माहौल रहेगा तो देश, जनता, सभी विकास करेंगे, है ना। इसके लिए ज़रूरी चीज़ क्या है, पारदर्शिता। पारदर्शिता के संदर्भ में ही ईवीएम जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, मेरे समझ से आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, और बात समझ में आ गई होगी, अप्रोच समझ में आ गया होगा, तो कोशिश करिएगा इसको लिखने का। मटेरियल भी है इसमें, बहुत सारी चीज़ें हैं। मुझे लगता है 750 शब्दों में लिखना है, तो जितनी मटेरियल इसमें आपको मिले हैं वही मोर देन एनफ है ना। आप पहले लिखने की कोशिश कीजिए, जब आप लिखना शुरू करेंगे जितना मैंने बताया है ना उसका कई गुना ज़्यादा आप क्या करने लगेंगे, आप चीज़ों को लेने लगेंगे और भी बेहतर आप लिखना शुरू कर देंगे, है ना। तो अपनी कुव्वत बढ़ाइए, अपना दम बढ़ाइए, है ना, ताकि जब ऐसे लिखें तो लगे कि हाँ ये मैंने लिखा है, किसी का कट पेस्ट वाला चीज़ नहीं है इसमें। ठीक है, तो ऐसे में ज़्यादा नंबर लाना है तो इन सारी बातों का ध्यान रखिए, कोशिश कीजिए, आपकी कोशिशें ही आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।